इस वीडियो में कोई भी गाली नहीं दी गई है, ना ही मदर चोद और ना ही बहन का लड़ा। और हाँ भैया, गांड तो बिल्कुल नहीं मारी गई है। नहीं मारी गई है, आटा है, आटा है, आटा है। आज मेरे पास आटा है, चावल है, रोटी है, तुम्हारे पास क्या है? अरे अमित जी, ये क्या कर रहे हो? स्टिंग बनानी थी, आटा क्यों गूंदने लग गए? अरे अरे, महाराज हमसे गलती हो गई, हमसे माफी मांगते हैं, हम बस क्षमा चाहते हैं, महाराज क्षमा चाहते हैं हमसे। हाँ ठीक है, कैमरा रोलिंग, टेक टू, एक्शन। नमस्कार देवियों और बीवियों, आप सभी का स्वागत है बचपन की रसोई में, जहाँ आज हम सीखेंगे घर बैठे स्टिंग बनाने की रेसिपी। हाँ, तो आपका सबसे पहला स्टेप है आग लगाना। अरे नैना भैया, किसी के घर में आग मत लगाइएगा, नहीं तो जूते पड़ेंगे। हमें आग लगाना इस कढ़ाई में। अब हम इसमें मिलाएंगे 2 चम्मच सांडे का तेल। और हाँ भैया, आप अपनी सुविधा के लिए इसमें जापानी तेल, नूरानी तेल, हिम गंगे या नवरत्न कुछ भी मिला सकते हैं, क्योंकि बुढ़ापे में कुछ लोग ठीक से खड़ा नहीं कर पाते, मेरा मतलब है ठीक से खड़े नहीं हो पाते हैं। और हमें ही देख लीजिए, इस उम्र में भी इतने जवान हैं, बिना किसी सहारे के खड़े हैं भैया। आई लव यू बेबी। टूट गया रे, अरे मेरा, जल्दी उठाइए महाराज। देखा आपने लौंडियाबाजी का नतीजा, बहुत दर्द हो रहा है। अमित जी, मर्द को कहां दर्द होता है? अरे नहीं होता होगा मर्द को दर्द, हम तो छक्के हैं। चलो चलो नीचे चलो। रेडी एक्शन। हाँ तो भैया, अब अपना कार्यक्रम जारी रखते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 प्याज बिना काटे और 1 लेडी फिंगर। काट के तो देवियों और बीवियों, अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे पकने के लिए। समय समाप्ति की घोषणा। तो लीजिए, तैयार हो चुकी है हमारी होममेड स्टिंग। टन टन। अमित जी, व्हाट द फक? आए रोटी। देवियों बीवियों, लगता है एक दो मसाला ऊपर नीचे हो गया है। खैर, हम इसे खा के दोबारा से कोशिश करते हैं। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दाने दाने में केसर का दम, बोलो जुबा केसरी। कैमरा रोलिंग, एक्शन। तो देवियों और बीवियों, आपका फिर से स्वागत है बचपन की रसोई में। तो हम फिर से आ चुके हैं स्टिंग बनाने, और अपनी सुविधा के लिए हमने एक स्टिंग की खाली बोतल ले ली है, जिसमें कि मैंने अपना एक सीक्रेट मसाला मिलाया हुआ है, जो कि मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर बता ही देंगे तो आप घर पे नहीं बना लीजिएगा क्या? सर, घर पे ही तो बनाना है। आए, अरे अरे, वो देखिए रेखा जी आ गए। रेखा जी, रेखा मैम कहाँ है? रेखा मैम कहाँ है? कहाँ है? अरे देवी और सज्जन, ये देखिए हमारी स्टिंग तैयार हो चुकी है। सर, ये तो नवरत्न तेल है। आए, अरे महाराज, ये नवरत्न कैसे बन गया? अब खैर बन ही गया तो एक चम्पी भी कर ही लेते हैं। आ जा प्यारे पास हमारे, नवरत्न आजमाए। रुकिए, अब बहुत हो गया, अब बस कीजिए अमिताभ जी, आपसे एक स्टिंग तो बन नहीं रही है, और ये बच्चों की तरह बोतल क्या छुपा रहे हैं? निकालिए बाहर इसको, निकालिए। अरे महाराज, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए, हमें एक आखिरी मौका दीजिए, अब हम आपको निराश नहीं करेंगे। हाँ ठीक है भाई साहब, हमें इसके लिए एक पैकेट दूध की आवश्यकता होगी। ये लीजिए, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, पर स्टिंग नहीं बनी तो चीर देंगे। अरे महाराज, हम एक फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन का यूज करना चाहेंगे। ये लो, हमारे बेटे हीरा को इसकी रेसिपी जरूर मालूम होगी। हेलो बेटा हीरा, बेटा वो जरा स्टिंग बनाने की रेसिपी बताना। अरे बेटा, मैं तुम्हारे यहाँ की खीर खा रहा था। स्टिंग बन गई। मैंने बनाई है, मैंने अमिताभ बचपन ने बनाई है, मैंने बनाई है, मैंने।